अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के एम्स अस्पताल में 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था। उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जम्मू कश्मीर के दो जिलों में आज से शुरू हो सकती है 4G इंटरनेट बहाली की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में राज्य प्रशासन ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के दो जिलों में प्रायोगिक तौर पर ये सेवाएं शुरू करेंगे, जिनमें एक जिला जम्मू और एक कश्मीर क्षेत्र से होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वर्तमान में संक्रमण के 6,68,220 मामले हैं, जो कुल मामलों का 26.45% है। मंत्रालय ने कहा कि भारत की मृत्यु दर वैश्विक औसत से नीचे है। बीते दिन दुनिया भर में कोरोना वायरस के 2,47,000 नए मामले आए हैं और 5,140 लोगों की जाने गई हैं। अब तक कुल 2,15,00,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। आज से वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा के दौरान पहले हफ्ते सिर्फ 2,000 तीर्थयात्रियों को दर्शन की अनुमति दी जाएगी। फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल विवादों में घिर गई है। भारतीय वायुसेना के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी वायुसेना की छवि खराब करने का आरोप लगाया है और इसके मेकर से माफी मांगने को कहा है। H1B वीजा नियमों में मिलेगी छूट, भारतीय अमेरिका संबंध होंगे हाई प्रायोरिटी, जो बिडेन ने किए वादे। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,00,000 के पार, महज 45 दिनों में बढ़े 90,000 मरीज। सुशांत केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अहम जानकारी गायब होने का आरोप, मुंबई पुलिस पर फिर उठे सवाल। गणेश चतुर्थी से पहले गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्पेशल गणपति ट्रेनें। बीजेपी की चुनावी तैयारियों में देवेंद्र फडणवीस बोले, पार्टी ने बिहार में काम करने के लिए कहा है, नई जिम्मेदारी का सुशांत राजपूत मामले से संबंध नहीं। गुजरात में अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना, मुंबई दिल्ली में भी जारी रहेगा मॉनसून। 11 अगस्त को हुई बेंगलुरु हिंसा के संबंध में 35 और आरोपी गिरफ्तार, अब तक कुल हो चुकी है 340 गिरफ्तारी। कर्नाटक डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा में आने वाले क्षेत्रों में लगी CRPC की धारा 144 की अवधि को बढ़ाकर 18 अगस्त की सुबह 6 बजे किया गया है। श्री गंगानगर रायसिंह नगर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में सेम ग्रस्त भूमि बनी सिरदर्द। बॉर्डर पर तैनात जवानों को हो रही है परेशानी। पृथ्वी सर और फरीद सर BOP के पास बढ़ा सेम ग्रस्त एरिया। सेम ग्रस्त के चलते जल स्तर पहुंचा 3 से 4 फुट।